नाउ कम्स टू एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग क्लास. कीप रिमेंबर दैट वी आर डूइंग मेथड्स ऑफ रीडिंग. फर्स्ट वी हैव डन फ्रॉम स्कैनिंग एंड स्किमिंग द मोस्ट लीस्ट वन बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग. फर्स्ट थिंग गो थ्रू फ्रॉम द डेफिनेशन. As you can see that there are the comparison in front of you. First extensive reading and then intensive reading. Extensive means off from the course. Means कि जब आप कोई चीज़ अपने शौक से करते हैं या instead of your educational course या instead of your instructor course, जब आप खुद से read करते हैं in a journal way, in your own wish, तो उसको आप extensive reading कहेंगे. लाइक जिस तरह आप ये पढ़ें, रैपिड रीडिंग ऑफ अ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ अ मटीरियल और नो और लॉन्गर रीडिंग फॉर अ जर्नल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने विल पे कोई रीड करते हैं कोई चीज़ फॉर द सेक ऑफ योर ऑन इंटरेस्ट, उसको आप एक्सटेंसिव रीडिंग कहेंगे. लाइक इसका पर्पज़ क्या है, लाइफ लॉन्ग रीडिंग हैबिट, इन्जॉयमेंट एंड जर्नल रीडिंग स्किल्स. जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप अपने इंटरेस्ट के लिए रीड करेंगे तो आपकी जो इन्जॉयमेंट है, जो आपकी रीडिंग हैबिट है, वो इन्हांस होती जाएगी, क्योंकि वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं विदाउट एनी अदर रिस्ट्रिक्शंस. लाइक इसमें फर्स्ट एग्जांपल यही है कि जब आप कोई रीड करते हैं तो आउट ऑफ द कोर्स जाके जो रीड आउट करेंगे वो आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होगी. देन कम्स टू इंटेंसिव रीडिंग. इंटेंसिव मींस जब आप कोई चीज़ अपने कोर्स आउटलाइन के लिए, कोर्स स्टडी के लिए, या कोई आपको टीचर, इंस्ट्रक्टर, गाइडेंस मिलती है किसी की तरफ से और कहा जाता है कि हाँ जी आपने अब रीड करना है और उसके बाद आपने फीडबैक भी देना है, तो वो जो पूरा रीडिंग प्रोसेस होगा टूवर्ड्स द रिटन मटेरियल वो आपका इंटेंसिव रीडिंग होगा. मींस आपने उसमें जब डिटेल रीडिंग करनी होगी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मींस आपको किसी ने कहा है और आप वो कर रहे हैं, तो आपकी वो इंटेंसिव रीडिंग होगी. लेट्स गो टू द डेफिनेशन. रीडिंग इन जर्नल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क. डिटेल मीनिंग डिवेलपमेंट रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामर नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल इन आ कोर्स वर्क देर आर द टाइप्स ऑफ द रीडिंग. अब ये कुछ उसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं यहाँ पे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग की. फर्स्ट एक्सटेंसिव में लॉन्ग टेक्स्ट बुक्स. लाइक लॉन्ग टेक्स्ट बुक मीन्स नॉवल रीडिंग. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज नॉवल रीडिंग और बुक रीडिंग. टू कम्स टूवर्ड्स द इंटेंसिव रीडिंग. इंटेंसिव मीन्स शॉर्ट टेक्स्ट. मीन्स जब आप कोई चीज़ शॉर्टर वे में पढ़ते हैं और विद अ लर्निंग एम्स, तो आप उनको उसको इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे. अब इसका क्या पर्पज़ है और यह किस हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद है. एक्सटेंसिव रीडिंग हेल्प स्टूडेंट्स टू डिवेलप रीडिंग फ्लुएंसी, जर्नल अंडरस्टैंडिंग वट इज़ बींग रेड. नाउ कम्स टू इंटेंसिव रीडिंग. हेल्प स्टूडेंट्स टू डिवेलप रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामर नॉलेज. डिटेल्ड मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट. लिंग्विस्टिक्स कंपोनेंट्स. लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स मीन्स द कंस्ट्रक्शंस, द बेसिक्स ऑफ द ग्रामर टूवर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज. दे आर द फ्यू एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू. मीन्स ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपके अपने इंटरेस्ट पे डिवेलप डिपेंड करती हैं कि आप क्या चीज़ किस हद तक पढ़ते हैं या आपका सोर्स ऑफ रीडिंग इंटरेस्ट क्या है. नाउ रोल ऑफ अ टीचर टूवर्ड्स द एक्सटेंसिव रीडिंग एंड द इंटेंसिव रीडिंग. फर्स्ट एक्सटेंसिव रीडिंग प्रोमोटर. टीचर परसुएड स्टूडेंट्स. ऑर्गेनाइजर टीचर मोनिटर्स स्टूडेंट्स रीडिंग. इंटेंसिव रीडिंग ऑर्गेनाइजर ऑब्जर्वर फीडबैक ऑर्गेनाइजर प्रमोटर. नाउ देयर कम्स अ कंक्लूजन अबाउट दिस लेक्चर. मीन्स आई एम गोइंग टू रीकैप रिव्यू ऑन द प्रीवियस डिस्कशन. लाइक वी हैव डन फ्रॉम स्किमिंग स्कैनिंग एक्सटेंसिव रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग. यू कैन सी फ्रॉम देयर दैट स्किमिंग रीडिंग रैपिडली टू गेट द मेन आइडिया मेन पॉइंट्स. स्कैनिंग मीन्स reading rapidly through the text to find the specific information required. Extensive reading means the reading you are going through your own, from your own interest, means journal way for understanding for player.
Intensive reading means when you are reading your text for the intention of your course, for the intention of information, with an emphasis of understanding. Now there comes a quiz. Means, suppose if you are going to read a newspaper, what criteria, what methods you adopt during reading process? A newspaper reading must consist of skimming, scanning, extensive and intensive reading. How? Means, कहने का मतलब ये है कि किस तरह ये चीज़ें सारी एक न्यूज़पेपर रीडिंग में अप्लाई होती हैं. जब आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे उसमें नो डाउट यू मे बी गो फॉर स्कैन एंड एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग. लेट्स थिंक अबाउट हाउ